दुर्गापुर पंचायत में एक गरीब परिवार का बच्चा रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया। हाँ, 45 साल का, उसका न्यूज भी चलाए थे। हाँ, न्यूज भी हम देखे थे। हाँ, सोशल मीडिया के माध्यम। अच्छा, ठीक। उसी समय शंकर सिंह क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। अच्छा, उनको जैसे ही पता चला, उस गरीब परिवार से मिलने के लिए हमारे अध्यक्ष जी पहुँचे, उनको जहाँ तक जो बन पाया आर्थिक सहायता हमारे अध्यक्ष जी ने उनको प्रदान किया। अच्छा, तो ऐसे व्यक्ति को यदि समाज नहीं चुनेगा अपना प्रतिनिधि, तब कैसे व्यक्ति को प्रतिनिधि चुनेगा। मतलब ये कह रहे हैं कि हर गरीब और बुजुर्ग और गरीबों की आवाज, यही ना कहना चाहते हैं, गरीबों की आवाज, एकदम गरीब कुचले दलित सबों की आवाज है शंकर सिंह, बुलंद आवाज है। और उनको कोई भी गरीब कुचले जहां भी कोनो विपत्ति पड़ता है वो अपने को पहुंचते हैं, हमेशा आगे रखते हैं। मैंने उनसे पूछा भी था, तो उसका इतना प्रेम से बात था, जब मैंने उससे पूछा, कहा कि परिवार के बीच हम खड़ा रहे, एकदम सीधा सवाल। एक बात सत्य है, हमारे रुपौली की जनता जानते हैं कि शंकर सिंह बोलते कम है और काम पे फोकस करते हैं, अपना ध्यान देते हैं काम पे, चाहे जिनको जो काम लगता है उनके काम से मतलब रखते हैं, अपना जो है ना वो भाषण नेता वाला भाषण नहीं देते, ज्यादा तामझाम नहीं, तामझाम नहीं है, सीधा काम की बात बोलता है, बस काम की बात है ना जी। परिचय अपना बताइए। मेरा नाम प्रभात कुमार सिंह हुआ, होस्कीपुर पंचायत कोयली सिमरापुरा। रुपौली विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने जा रहा है, यहाँ से कौन निकल रहा है बताइए, कौन सा ये जगह पड़ता है? कोयली सिमरापुरा। कोयली सिमरा, यहाँ से कौन विधायक कौन बनेगा? यहाँ तो शंकर सिंह है, ये है। कौन के अलावा तो कोई है, चेहरा है ही नहीं, नहीं है, नहीं है। क्या नाम पड़ता है आपका? मेरा नाम टिंकू कुमार है। क्यों उसको दीजिएगा वोट? मतलब देखिए, हमारे यहाँ इससे पहले रीमा भारती रहे, जो भी 25 साल राज की, कुछ नहीं थी, कुछ नहीं थी, इस पे विश्वास है, चढ़ा देखना चाहते हैं, विश्वास है तभी तो वोट करेंगे हम लोग। क्या ये बोला, सही बात बोला? हाँ, सही बात है, है? सुमन कुमार, सही बात है। हाँ। तो कौन सा दे रहा है, किसको दीजिएगा? शंकर सिंह को। क्यों दीजिएगा? क्योंकि जनप्रतिनिधि है, सबसे मिला जुला रहता है। अच्छा, इसीलिए उन्हीं को दीजिएगा। हाँ। क्या नाम है आपका? सुमन कुमार। रिपोर्टर नहीं है। किसका? शंकर सिंह छोड़ा के, प्रतिमा देवी शंकर सिंह। हाँ। छोड़ा किसी का नाम नहीं होगा, चाहे जिस। आप युवा होके बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, इसके लिए जो हो जाए हम करेंगे। क्यों कीजिएगा? क्योंकि उस गरीबों का मसीहा है शंकर सिंह, ठीक है। हाँ। चाहता है शंकर सिंह, जब जरूरी पड़े 12 बजे रात में, 1 बजे रात में, जब भी जरूरी पड़े शंकर सिंह हमेशा 24 घंटे। क्यों नहीं चुनाव पहले जीता, यहाँ से 5 बार जो है विधायक बनी है? जनता पे निर्भर होता है, ठीक है। कुछ जनता ऐसा है मतलब कि जातिवाद पे उड़ जाता है, यहाँ पे जातिवाद नहीं है, शंकर सिंह में कोई जातिवाद नहीं है। अच्छा, ठीक है, उसके लिए जो भी है शंकर सिंह ही है, उसके लिए सब जाती है, लेकिन कुछ जाति ऐसा है जो सिर्फ अपना जातवाद देखता है और कुछ नहीं देखता है। लेकिन हम सब जातिवाद पे नहीं, हम सब प्रॉपरली शंकर सिंह को ही चाहने वाले हैं, जितना युवा है, ठीक है। और युवा को हमेशा प्रोत्साहन किया, जब भी जरूरी पड़ा बिना मांगे, तो जब बिहार पुलिस का बात रहा, शंकर सिंह हमेशा उठ के खड़ा रहा गद्दा के लिए। जब मतलब बीमा भारती के पास गए, बोला कि कुछ नहीं, मतलब कि नहीं दे सकते रिनोशन, जो भी होता शंकर सिंह को बिना बोले रिनोशन अपने आप दिया, वो दे दिया। उसके बाद रनिंग के लिए फील्ड की जरूरत पड़ती है, शंकर सिंह को एक बार फोन करते हैं, तुरंत जो भी जुगाड़ होता है वहां तक तुरंत दे देता है। भारी बहुमत से जीतेगा, आप देख लीजिएगा, उसके छुड़ा के कोई जीतने वाला ही नहीं है। परिचय बताइए। सुनील कुमार जयसवाल। कौन जीत रहा है यहाँ से? अभी जो जब शंकर सिंह जी विधायक है, उसके बनाई है। किसको? शंकर सिंह का। शंकर सिंह को क्यों बनाइएगा? काम मेरा सब काम करता है पूर्णिया जिला में। आपका ही करता है, सबका करता है, आपका गांव वाला का करता है, सब टोटल जिला का काम, सब जिला का करता है। बुझिए। अच्छा, और क्या? ये कौन सा क्षेत्र पड़ता है, कौन सा जगह? पूर्णिया जिला पड़ता है। कौन सा जिला? पूर्णिया जिला। पूर्णिया जिला कौन सा विधानसभा क्षेत्र में आता है? रुपौली विधानसभा। रुपौली, यहाँ से कौन निकल रहा है, जगह कौन सा? जगह कोस्कीपुर। कोस्कीपुर पूरा। अच्छा, यहाँ से कौन निकल रहा है विधायक में? विधायक में शंकर सिंह को निकालेंगे। क्यों निकालिएगा उसको? ये वो गरीब जनता का काम करता है। गरीब जनता का काम करता है, इसका आपका यही कहना है, गरीबों की आवाज है, गरीबों की आवाज है ये। अच्छा, निकाल दीजिएगा इसको। एकदम निकालेंगे हम लोग यहाँ से। कितना जीत जाएगा? एकदम भारी बहुमत से। हम लोग भारी बहुमत से यहाँ है, एकदम जिता दीजिएगा यहाँ से, 100 by 100। अच्छा, नाम बताइएगा अपना। जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह, आप अपना नाम बताइए।